हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता लेकर आई हूँ, जिसे आप सुबह के नाश्ते में या फिर शाम को जो नाश्ता करते हैं उस नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर कभी भी आपको भूख लगे, जैसे हल्की हल्की भूख लगती है तो ये एक हेल्दी नाश्ता है। तो इसके लिए मैंने ये हरी मूंग की दाल रात भर भिगो कर रखी हुई है और इसको अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, मैंने ये जितनी भिगोई थी वो मैंने ले ली है और इसमें एक टुकड़ा मैंने अदरक का डाल दिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। आपको तीखापन पसंद है तो डालिए वरना आप इसको मत डालिए। और यहाँ पर 2 कलियाँ लहसुन की ली हैं। आपको इसका भी टेस्ट पसंद है तो डालिए वरना इसको स्किप कर सकते हैं और अपनी पसंद के कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें पानी नहीं डाला था तो ये अच्छे से नहीं पिसा है। अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच पानी के डाल देती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसको दोबारा से पीस लेंगे और इसका अच्छा पेस्ट बना लेंगे। यह हमारी दाल पीस चुकी है, इसका पेस्ट भी अच्छा तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये देखिए, अब मैं इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल रही हूँ और यहीं पर डालूँगी मैं भुना जीरा पाउडर। ये मैंने तवे पर भून लिया है, आप भी उसके ना हो तो इसको तवे पर भून सकते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप और मसाले इसमें और कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इतना भी डालेंगे तो बड़ा टेस्टी बनेगा। और ये मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। ये देखिए, इसको हम अच्छे से पेस्ट बना लिया है और अब हम बनाएंगे। आप इसे चीला कहिए या फिर इसको डोसा कहिए, जो आपका मन करता है वो कहिए। अब हम इसको डोसे के टाइप से बना रहे हैं, ये डोसे का ही तवा है और इसका जो ये पेस्ट है, हम पेस्ट इस पे डालेंगे और धीरे धीरे से घुमाएंगे। ये डोसा इतना पतला तो नहीं बनेगा जितना आपका रवा डोसा बनता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनेगा। मैं आपके सामने ही बना रही हूँ, हम धीरे धीरे इसको चलाएंगे क्योंकि इसका पेस्ट थोड़ा मोटा रहता है, उतना पेस्ट पतला नहीं होता, लेकिन ये इसमें फाइबर और ये प्रोटीन से भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। अब ये देखिए, मैं इसमें हल्का हल्का घी, देसी घी डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ भी फिल कर सकते हैं इसमें, और आप सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी टेस्टी लगेगा ऐसे भी। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को देना है या खुद भी कुछ हेल्दी और ज़्यादा खाना है तो यहाँ, जैसे मैंने ये छोटे छोटे प्याज डाल दिए हैं, यहीं पर मैं पनीर को भी ग्रेट करके डाल दूँगी। आप अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अगर आपको हेल्दी खाना है तो हेल्दी ही डालिए, कुछ ज़्यादा अनहेल्दी मत डालिए। ये देखिए, हमारा अब डोसा बनकर तैयार हो जाएगा और इसको हम अच्छे से फैलाएंगे। और भी सब्जियाँ डालनी है तो डालिए और हम अब इसको अच्छे से ऊपर से भी प्रेस कर देंगे, जिससे ये हमारा थोड़ा अच्छे से सिक जाए। और ये देखिए, ये आसानी से हमारे तवे से उतर जाएगा। मैं इसको ऊपर से थोड़ा प्रेस कर देती हूँ, ये सब्जियाँ इसमें अच्छे से लग जाएंगी, चिपक जाएंगी और सिक भी जाएंगी। अब हम ये अपना डोसा उतार लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से सिक गया है और काफ़ी गर्म है। ये देखिए, हमने ये तवे से उतार लिया है और इसको हम प्लेट में रखते हैं। तो आपको देखने में लग ही रहा होगा ये कितना टेस्टी और हेल्दी है और क्रिस्पी भी बना है, और ये काफ़ी अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। आप इसे कभी भी अपने बच्चों को भी, जो थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं और अपने लिए भी ये हेल्दी नाश्ते में ले सकते हैं। तो आज की हमारी यही रेसिपी थी, हेल्दी रेसिपी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि बनाने में भी आसान है, हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए काफ़ी आसान रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा टाइम नहीं है ये खाना बनाने में, लेकिन सबको टेस्टी और हेल्दी खाना चाहिए। तो
उनको सबको टाइम भी कम लगे और आपकी जो है अच्छे से हेल्दी रेसिपी भी बनकर तैयार हो जाए। तो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।